कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सोलन से पार्टी उम्मीदवार धनीराम शांडिल ने कहा है कि कांग्रेस ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए 10 गारंटियां दी हैं। सोलन में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो वायदे करती है उसे खरखाल में पूरा करती है। धनीराम शांडिल ने कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस सरकार शिक्षण संस्थानों को बेहतर बनाएगी और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार किया जाएगा। इसके अलावा किसानों को टमाटर सहित अन्य उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ टमाटर जितना भी उगता है आप जानते हैं, सारी दुनिया में भी सारे देश में मशहूर है, उनको किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं है, किसी प्रकार की उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब कोई उसके ऊपर काला धब्बा लग जाता है या कभी फेल हो जाती है, पूरी की पूरी क्रॉप फेलियर हो जाता है, इसलिए उसको मिनिमम स्टोर प्राइस के दरों में लाया गया है। हमारे घोषणा पत्र में आप देखेंगे कि टमाटर और यहाँ की दूसरी सब्जियाँ जो कि इस घेरे में आई हैं, उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा और इनकी गुणवत्ता बढ़े, इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचा जा सके, इसलिए एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जाएगा, उसको इस्टेब्लिश करके, ताकि उन जितनी चीज़ें होती जैसे मटर है, मटर को डिहाइड्रेट करके अंतर्राष्ट्रीय पर बेचेंगे, टमाटर की प्यूरी करके बेचेंगे और टमाटर को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने से जो हमारे लोग यहाँ के इतना ज़्यादा बेचते हैं उसको, उनको एक सुरक्षा मिल जाएगी। उन्होंने भाजपा के संकल्प पत्र को महज घोषणाएं ही करार दिया और कहा कि सरकार बनने के बाद कांग्रेस 1,00,000 युवाओं को रोजगार देगी और पहली ही कैबिनेट में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का निर्णय लिया जाएगा।